है दोस्तों, सत्री का पूरा परफेक्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया। देखिए दोस्तों, ये चारों तरफ पत्थर लगाया और इसका ढलान चारों तरफ से ऐसे रहे तो कहीं पानी नहीं रुकता। और सतरी के चारों तरफ पत्थर लगाने का ये है तरीका, और कातरा कटिंग करके पत्थर लगाएंगे तो इसका ढलान ऐसे। हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस वीडियो में, इसके ऊपर मार्बल लगाना है। तो मार्बल दोस्तों चारों तरफ से अपने करेंगे लेवल, लेवल रखेंगे तो इसका पानी रुकेगा इसके ऊपर। तो इसका ढलान भी रखना है और चारों तरफ से दोस्तों इस पत्थर को लेवल भी रखना है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताता हूँ मैं आपको, लेवल के साथ में फिटिंग कैसे करें और इसका ढलान भी कैसे निकाले चारों तरफ, ताकि क्या इसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा। और बीच में लगाएंगे वो स्टैंड 5x5 का। और आगे मैं दिखाता हूँ इसकी कटिंग कैसे करें और फिटिंग कैसे करें। मैं आपको चारों तरफ से ये पत्थर लगाया और ये यहाँ पे लगाएंगे दो पीस दोस्तों। ये 2 इंच की पट्टी नीचे लगाई है और ऊपर का ये टॉप है। तो इस प्रकार से चारों तरफ अपन लगाएंगे पत्थर। तो इसकी कटिंग कैसे की है मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हर सोमवार शाम 6 बजे। चलो अब करते हैं काम की शुरुआत, किस प्रकार से फिटिंग करें। देखिए दोस्तों, ये हमने कातरा कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद में हमने रखे चारों तरफ पीस। तो इसका दोस्तों ढलान ये इस तरफ हो जाएगा, ये ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका ढलान इस तरफ हो जाएगा और इसका ढलान इस तरफ रहेगा इस तरफ। और ये यहाँ पे किया है कातरा कटिंग, और ये सारे पीस लगाने का ये चारों तरफ हो जाएगा ढलान दोस्तों। इस प्रकार से कटिंग कराए और इस प्रकार से पत्थर लगाएंगे। और हमने किया सेटिंग, इसके नंबर वाइज लिख लेंगे और नीचे यहाँ पे लगाएंगे वो पट्टी। तो पट्टी लगाने के बाद में सैम्बल लगाएंगे, पेंसिल मोल्डिंग, इसके बाद में अपन करेंगे फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में सारी लाइन डोरी से और लेवल से चारों तरफ से पत्थर कर देंगे फिटिंग। इस प्रकार से कटिंग करके हमने रखे पीस, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कटिंग करके सेटिंग किया और फिगर के साथ में हमने पीस लगाए। और इसका साथ में ये इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, फिगर भी साथ साथ में मिलाना वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चिपकाएंगे पट्टी। पट्टी पे बॉम्बे मसाला लगाया और एरोलाइट, ये दोस्तों बॉम्बे मसाला और एरोलाइट दोनों पट्टी से, दोनों ट्यूब से चिपकाएंगे, पट्टी की ताकत मजबूत हो जाएगी डबल। और यहाँ पे लगेंगे कसिंदा, जो आप बोलते हैं क्या कसिंदा, भीड़ा हम इसको बोलते हैं, वाइस। यहाँ पे दोस्तों वाइस लगाएंगे, पट्टी चिपकाएंगे दोस्तों एकदम लेवल से बढ़िया। और यहाँ पे लगाएंगे वाइस, तो यहाँ पे जॉइंट नहीं दिखाई देगा, एकदम फ्रेश आएगी इस प्रकार से पट्टी। और पट्टी लगाने के बाद में यहाँ पे लगाएंगे सैम्बल दोस्तों, ऐसा पेंसिल मोल्डिंग बोलते हैं, हर भाषा मिस्त्री की अलग रहती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका मार्किंग करने का टूल दोस्तों, यह है दोस्तों मार्किंग करने का टूल। सो इसकी मार्किंग होगी और एक लेवल से ये धार दिखेगी पेंसिल मोल्डिंग। अब दोस्तों इस टूल से यहाँ पे करेंगे मार्किंग, ये ऐसे। अब दोस्तों इस लेवल से करेंगे
ऐसे दोस्तों करेंगे पूरा लेवल से। ये दोस्तों इस लेवल से करेंगे पूरी पेंसिल मोल्डिंग, इसके बाद में करेंगे दोस्तों इसको फिटिंग। देखिए दोस्तों ये मार्बल की थिकनेस जितना ये पत्थर बाहर रखेंगे इस प्रकार से, और इसके इसका इस तरफ ढलान रखेंगे और ये पीस इस तरफ ढलान रहेगा, ये चारों तरफ से ढलान रहेगा और बॉर्डर लेवल में रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों पत्थर को चारों तरफ फिटिंग करेंगे। ये दोस्तों ये इस प्रकार से सारे पत्थर फिटिंग हो जाएंगे। ये हो गया एक नाप से फिटिंग, और इस तरफ रहेगा वो चारों तरफ लेवल रहेगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों लेवल। ये दोस्तों हो गया बॉर्डर पट्टा फर्स्ट वाला लेवल से और ढलान। ये है दोस्तों फिटिंग करने का सही तरीका, और इस पोजीशन में कातरा कटिंग करेंगे और फिटिंग करेंगे तो इसका ढलान, ये कातरा कटिंग करेंगे तो चारों तरफ से ढलान रहेगा और बॉर्डर रहेगा वो चारों तरफ से लेवल दिखेगा, कहीं ढलान ऊपर नीचे नहीं दिखेगा और बेस्ट काम होगा दोस्तों। इस प्रकार से काम फिटिंग करेंगे तो आपका काम बढ़िया और सही होगा। देखिए दोस्तों ये चारों तरफ पत्थर लगाया और इसका ढलान चारों तरफ से ऐसे रहे तो कहीं पानी नहीं रुकता, और छतरी के चारों तरफ पत्थर लगाने का ये है तरीका, और कातरा कटिंग करके पत्थर लगाएंगे तो इसका ढलान ऐसे होगा और ये चारों तरफ से बॉर्डर होगी वो लेवल होगी। इस प्रकार से दोस्तों छतरी के चारों तरफ पत्थर फिटिंग करें, ये है दोस्तों सही तरीका जो मैंने आपको परफेक्ट काम करके दिखाया है। ये चारों तरफ से दोस्तों इस ऐसा लुक रहेगा, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दिखाता हूँ। और ये सामने से पट्टी और ये बॉर्डर पट्टा सेम दिखेगा और ये पूरा लेवल होगा, और ये इसमें हो गया दोस्तों ढलान। ये दोस्तों मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ, काम में कोई मिस्टेक हो तो आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे कमी पेशी है, तो अगली बार इसको काम की सुधार करेंगे। ये दोस्तों चारों तरफ से ऐसा लुक रहेगा, और मैं इसका जॉइंट के बारे में बताता हूँ। बस रोमा रोक रोक रोमा डब्लू पहन दे ना ना रुक 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 रुक। दोस्तों इस पोजीशन में कातरा कटिंग करके पत्थर फिटिंग करेंगे तो इसका ढलान ये ऐसे रहेगा, ये दोस्तों इसका पानी ऐसे आता है और यहाँ से पानी इसका पूरा इस तरफ ये चला जाता है, तो ये चारों तरफ से पानी नीचे बहेगा और कहीं पानी नहीं रुकेगा। ये कातरा कटिंग करके ये फायदा है दोस्तों, ये 45 डिग्री कटिंग करके पत्थर को फिटिंग करने से ये फायदा रहता है और चारों तरफ से दोस्तों लेवल होगा। और ये पूरा छतरी का लुक मैं आपको दिखाता हूँ, सामने से ये है छतरी, यहाँ पे मूर्ति बिठाएंगे, ये छतरी का लुक दोस्तों चारों तरफ से एक ही जैसा दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों मूर्ति बिठाएंगे, यहाँ पे दोस्तों सेंटर में मूर्ति बिठाएंगे, और इसके बारे में इसकी घिसाई के बारे में काम चालू है घिसाई का। और ये है दोस्तों छतरी का पूरा परफेक्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया।